चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। जिस फिल्म का ट्रेलर का इंतजार भोजपुरी दर्शक काफी लंबे समय से कर रहे थे, आखिरकार उस फिल्म का ट्रेलर आज जारी कर दिया गया। जी हां, हम बात करें भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह और भोजपुरी की हॉट अदाकारा काजल राघवानी और प्रीति विश्वास अभिनीत भोजपुरी मूवी मैंने उनको सजन चुन लिया के ट्रेलर के बारे में। जी हां, फिल्म का ट्रेलर आज DRJ रिकॉर्ड्स भोजपुरी का ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर जारी कर दिया गया है, जिसे भोजपुरी दर्शक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर हम ट्रेलर की रिव्यू करें तो यानी कि ट्रेलर की बात करें तो फिल्म का ट्रेलर करीब 4 मिनट 47 सेकंड का है। जी हाँ, 4 मिनट 47 सेकंड में ट्रेलर की शुरुआत सुपरस्टार पवन सिंह का बिल्कुल एक्शन पैक अंदाज से शुरू होता है, जो ट्रेलर में काफी ज्यादा धासुपन दिखाता है। उसके बाद काजल राघवानी और पवन सिंह का जोरदार गाना डाला गया है, साथ ही साथ फिर एंट्री प्रीति विश्वास की होती है। प्रीति विश्वास के बाद बालेश्वर सिंह का गुंडाई अवतार दिखाया गया है, साथ ही साथ फिल्म में जोरदार एक्शन और एजाज खान का हकलानापन ट्रेलर में साफ दिखाया गया, जो दर्शकों को काफी ज्यादा रोमांचित करेगा। खास करके पवन सिंह और काजल राघवानी पर फिल्म हुआ सॉन्ग चला ले रानी रिहर्सल करा दी, ये गाना काफी ज्यादा पॉपुलर होने वाला है। इसके बाद फिर ट्रेलर में आम्रपाली दुबे और पवन सिंह पर फिल्माया हुआ आइटम तड़का भी दिखाया गया है। जी हाँ, दुबर पाते पिया में विटामिन की कमी बा, ये भी दर्शकों के काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि 2019 में यह गाना काफी ज्यादा पॉपुलर होने वाला है, जिस तरीके से गाने के लिरिक्स और गाने के बोल है। और फिल्म में एक्शन की बात करें तो फिल्म में एक्शन पवन सिंह पर कूट कूट कर फिल्माया गया है, जो दर्शकों को काफी ज्यादा रोमांचित करने वाला है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ट्रेलर में वो सभी मसाला मौजूद है जो भोजपुरी दर्शकों को पसंद आती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ट्रेलर फुल ऑन फंटास्टिक मूवी है। इसमें से भोजपुरी गॉसिप्स की टीम की तरफ से 5 में से 4 स्टार दिया जाता है। जी हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मैंने उनको सजन चुन लिया का ट्रेलर नहीं देखा है तो आप DRJ रिकॉर्ड्स भोजपुरी का ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर जाकर ट्रेलर जरूर देखें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ट्रेलर कैसा लगा।